एक वो महिला नेता जो मुकाम हासिल करना चाहती थी और इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहती थी कि वो अपने इलाके से विधायक चुनकर विधानसभा में जाना चाहती थी, लेकिन उसके अरमानों पर पानी फिर गया। यह कहानी सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगी, बस वजह इतनी थी कि इस महिला नेता को एक लड़के से इश्क हो जाता है। वो लड़का इस महिला नेता से 10 साल छोटा रहता है, उसका महिला का पति भी था, लेकिन इश्क हो जाता है। और उसके बाद यह महिला नेता जो बड़ा मकाम हासिल करना चाहती थी वो आज सलाखों के पीछे है। पूरी कहानी क्या है देखिए मेरे साथ खबर एक्सप्रेस न्यूज। एक वही महिला नेता जो बड़ा नाम कमाना चाहती थी, एक वही महिला नेता जिसने अपनी आंखों में यह ख्वाब पाले थे कि विधायक का वो चुनाव लड़ेगी और विधानसभा में बैठेगी, लेकिन उस महिला नेता को इश्क हो जाता है और फिर वह सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। ऐसी यह खबर मध्य प्रदेश के झाबुआ से जुड़ी है। जी हां, जहां पर सुमित्रा मेड़ा को अपने से 10 साल छोटे रितेश से प्यार हो जाता है और यह प्यार फिर हत्या में बदल जाता है। कहानी शुरू होती है जब रितेश इंदौर से पढ़कर झाबुआ आता है, जहां उसकी दोस्ती महिला नेता से हो जाती है जिसका नाम सुमित्रा मेड़ा है। सुमित्रा उस वक्त एक एनजीओ चलाती थी तो रितेश की उससे दोस्ती हो जाती है। अब दोनों की गहरी दोस्ती थी, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सुमित्रा के ही घर में रितेश रहने लगा, जबकि सुमित्रा शादीशुदा थी, उसका पति भी है। लेकिन सुमित्रा के पति को यह पता चल जाता है कि उसकी पत्नी को अपने से 10 साल छोटे रितेश से प्यार हो गया है। लेकिन यह बात सुनकर आपके जहन में एक बात जरूर आएगी कि यह सारी बातें सुनकर पति तो आग बबूला हो जाएगा और कुछ भी कर देगा, लेकिन प्यार की इस कहानी में जो कुछ हुआ वह अपने आप में एक अलग ही मामला था, क्योंकि यहाँ पति को अपनी पत्नी के प्रेम पर कोई ऐतराज नहीं था। पति ने कोर्ट में यह एफिडेविट भी दिया था कि मेरी पत्नी के प्यार से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, दोनों साथ में रह लें। पत्नी ने भी अपना इकरारनामा दिया था। लेकिन पत्नी को जब वह पति वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए देखता था तो पति को कभी यह खराब नहीं लगता था। यह अपने आप में एक सोचने वाली बात है और बड़ी अजीब बात है। तभी 11 जून 2023 को सुमित्रा के प्रेमी रितेश की हत्या हो जाती है। लेकिन अब सवाल यह होता है कि जब सब लोग एक साथ रहते हैं तो इस मामले में रितेश को किसने मारा और क्यों मार दिया गया। लेकिन जब बात निकलकर सामने आती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। एक दौर ऐसा आ चुका था कि जब वह पति जिसको अपनी पत्नी की प्रेम लीला से जरा भी ऐतराज नहीं था, वो पति अंदर ही अंदर चढ़ने लगा था और उसके मन में अब आ गया था कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और मैं सब कुछ देख रहा हूँ। और पति ने अपनी पत्नी को इस पूरे मामले को लेकर मनाया और प्रेमी को रास्ते से हटाने की अपनी पत्नी से उसने बात की। हुआ भी वही, लेकिन हुआ भी वैसे ही। एक कार्यक्रम में यह लोग शामिल होने के लिए गए, वहां से लौटे, उसके बाद रितेश की हत्या कर दी गई। लेकिन हत्या करने वाले कौन थे? जब पुलिस ने इसकी जांच की तो वह महिला नेता जिससे रितेश को बेइंतहा इश्क था और उसका पति और एक सहेली रितेश के कातिल निकले। पुलिस को इस मामले का पर्दाफाश करने में एक दिन का समय लगा और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी इस कदर डर गए थे। बात यह भी सुनने में आई है कि वह खुद थाने पहुंच गए थे और यह मामला निकल कर सामने आया कि उन्होंने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया था। लेकिन इश्क हर कोई करता है और इश्क में कई लोग इश्क को खुदा भी मानते हैं, लेकिन कई लोगों का इश्क ऐसे रहता है कि वो खुद के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हुआ। लेकिन जिसने अपनी आंखों में यह ख्वाब पाले थे कि वो विधायक बनेगी, विधानसभा में बैठेगी, उसे अपने से 10 साल छोटे लड़के से इश्क हुआ और फिर उस इश्क में उसने उस लड़के की हत्या कर दी और फिर उसके बाद वह सलाखों के पीछे पहुंच गई। हालांकि अकेली वह सलाखों के पीछे नहीं पहुंची, उसके साथ एक उसकी सहेली भी आरोपी बन गई और उसका पति भी सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस न्यूज। MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78 39।